हेलो दोस्तों, सास बहू के खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मलाई से शुद्ध देसी घी। हमें एक बड़ा बर्तन लेना है जिसमें 4-5 दिन की मलाई जमा हो सके। जब हम पहले दिन की मलाई डालेंगे उसमें हमें 1 चम्मच दही का डाल देना है। उसे मलाई में अच्छी तरह से मिला देना। हमें इसमें मलाई जमा करते रहना है। ये हमारी कुल 6 दिन की मलाई है जिसे हमें फेंटना है। इसको हम कई तरीके से फेंट सकते हैं। इसे हम चम्मच से भी फेंट सकते हैं, कांटे से भी फेंट सकते हैं, मिक्सी में भी फेंट सकते हैं, पर मैं इसे दाल घोटनी से ही फेंटती हूँ। इसके 2 फायदे हैं। एक तो हाथों की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाती है, दूसरा इसमें मक्खन बहुत ज़्यादा निकलता है। मैं तो इसी से मलाई को फेंटती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे फेंटना। आपको एक ही साइड में घुमाना है, चाहे राइट साइड लीजिए या लेफ्ट साइड लीजिए, जिस साइड में भी घुमाएंगे हम एक ही साइड में घुमाएंगे। फेंटते फेंटते मलाई एकदम हल्की होकर ऊपर आ जाएगी। मेरे घर में जब भी मलाई जमा होती है तो मैं इसका इस तरह से घी निकाल के रख लेती हूँ। मलाई को हमने फेंट लिया है, ये हल्की होकर ऊपर आ चुकी है। इसमें हम फ्रिज का ठंडा पानी डालेंगे और फिर इसे फेंटेंगे। देखिए किस तरह से मक्खन ऊपर आ गया है। इसे हम हाथों से जमा करेंगे और इसे कढ़ाई में निकालेंगे। मलाई को अच्छी तरह फेंट लेंगे तो मक्खन आसानी से ऊपर आ जाता है। मक्खन को हाथों से निकालना आसान होता है, इसलिए हमें हाथ से ही निकालना है। घर पे बने हुए देसी घी के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके सेवन से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। हमारी स्किन के लिए भी ये फायदेमंद है। इसके मसाज से स्किन का रूखापन दूर हो जाता है। 6 दिन की मलाई में देखिए कढ़ाई भर के मक्खन निकला है। मक्खन को हमें एक बार और धोना है, इसे फिर से पानी में डालेंगे और हाथों से इसे ऊपर नीचे करेंगे, जिसे इसमें जो भी बाकी रही हुई छाछ है वो निकल जाएगी। मलाई से निकला हुआ मक्खन तो काम आता ही है, इसके साथ साथ इसमें जो छाछ निकलती है, छाछ के भी बहुत सारे फायदे हैं। छाछ के सेवन से गर्मियों में लू नहीं लगती। छाछ का उपयोग किस तरह करते हैं इसका मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। मक्खन को अब हमें गर्म करना है। इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे। जब ये पूरी तरह से पिघल जाएगा तो हमें फ्लेम को लो कर देना है। मक्खन तेजी से गर्म होके बाहर निकल जाता है बर्तन से, तो इसे हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है। चम्मच से या फिर स्पैचुला से इसे हिलाते रहना है। मक्खन जब पिघल जाएगा तो ये येलो कलर का हो जाएगा। मक्खन में जो थोड़ी बहुत छाछ हो जाती है वो नीचे जम जाती है। थोड़े हमें पानी के छींटे देने हैं जिससे छाछ घी में नहीं रहे, अलग हो जाए। घी में छाछ बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हमारा घी खराब हो जाएगा। घी में से छाछ अलग हो जाए तो हमारा घी बन चुका होता है। इसे हमें एक बर्तन में छान लेना है। छानने से घी अलग हो जाता है, छाछ इसमें बिल्कुल नहीं जाती है। लीजिए हमारा प्योर शुद्ध देसी घी तैयार है। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।